Assalamu alaikum. Welcome to Blank Shots. आज की वीडियो सऊदी अरेबिया के शहर तबूक के बारे में है. इस्लामी तारीख में इस शहर की अहमियत की बुनियादी वजह ग़ज़वा तबूक का मारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहर में आमद है. तबूक का शहर मदीना शरीफ से शाम जाने वाले रास्ते पर 700 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में अरब का गसानी ख़ानदान, जो कैसर रोम के ज़ेर असर मुल्क शाम पर हुकूमत करता था, वो ईसाई थे. इसलिए कैसर रोम ने उनको अपना आलाकार बनाकर मदीना पर फ़ौज का शिकाज़म किया. मुल्क शाम के सौदागर जो कि मदीना मुनव्वरा में तिजारत की गर्ज़ से आते थे, उन्होंने ख़बर दी कि कैसर रोम ने एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा की है, जिसमें रोमियों के अलावा कुछ अरब कबाइल भी शामिल हैं, ताकि मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मदीना मुनव्वरा पर हमला किया जाए. इन ख़बरों का पूरे अरब में चर्चा हो गया, क्योंकि रोमियों की इस्लाम दुश्मनी बिल्कुल अयां थी. इसलिए इन ख़बरों को नज़रअंदाज करने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया और 30,000 सहाबा इकराम का लश्कर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए और मदीने मुनव्वरा का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हज़रत अली मुर्तज़ा को अपना नायब मुकर्रर कर दिया. तबूक के करीब पहुंचने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा अता फ़रमाया, जो कि सूरत में था कि एक चश्मा जो कि बिल्कुल बारीक धार बह रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पानी मंगा कर हाथ मुँह धोया और उस पानी में कुली फरमाई. फिर हुक्म दिया, इस पानी को चश्मा में उड़ेल दो. लोगों ने जब इस पानी को चश्मे में डाला तो ज़ोर से पानी की मोटी धार बहने लगी और 30,000 का लश्कर और तमाम जानवर इस चश्मे से सैराब हुए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पहुंचकर लश्कर को पड़ाव का हुक्म दिया, लेकिन मुसलमानों की हैबत की वजह से रूमी लश्कर मुकाबले में ना आया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 के लश्कर के साथ 20 दिन तक तबूक में क़याम फरमाया बग़ैर किसी जंग के. अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह व कामरानी अता फरमाई और सारे अरब इलाके में मुसलमानों की हैबत छा गई. आपको सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये वो मकाम है जहाँ पर इस 20 दिन के क़याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस क़याम पज़ीर रहे और बाद में इस जगह पर एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई और फिर वक्त के साथ उसकी रेनोवेशन होती रही. इस मस्जिद को मस्जिद तौबा भी कहते हैं.
اب ہم حجاز ریلوے کے میوزیم میں موجود ہیں، جو کہ عثمانی دور خلافت کی ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ عثمانی دور خلافت میں شام سے لے کر مدینہ منورہ تک ٹرین کا نظام تھا، جس کی باقیات کچھ جگہوں پر باقی ہیں، یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ ویکینڈ کی وجہ سے میوزیم تو بند تھا، لیکن جہاں تک رسائی ممکن تھی ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا۔ بہت اچھا بنا ہوا تھا اور کافی ساری چیزیں اسی حالت میں موجود تھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا تبوک کا ٹور کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔